अल्लाह यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना रहा है, यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले एक महीने से खलमरपो चुमिकचन के लोग, बारी बारी पे यहाँ पे लोग आ रहे हैं कांटे लेकर, यहाँ पे कांटे लगा के उसमें पानी लगा रहे हैं और आज लगभग एक महीना हो चुके हैं ये ग्लेशियर बनाते हुए। आज यहाँ पर हमारी बारी है तो लगभग एक महीना होने को आ रहा है। एक महीने में लगभग यहाँ से 20-25-30 फुट तक ये ग्लेशियर जा चुके हैं ऊपर और अभी भी काम जारी है। इंशाल्लाह अगर इसी तरह सर्द मौसम रहता है तो आने वाले 15-20 दिनों में भी ये काम जारी रहेंगे, क्योंकि ये ग्लेशियर बहुत फायदेमंद साबित होगा यहाँ के लोगों के लिए, न कि खलमरपो चुमिकचन के लिए बल्कि पूरे सांगकूप में आपाशी के लिए। इसी नाले से पानी जाते हैं, ये नाला पहले यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर सुकट कर जाके वहाँ पे थोड़ा ही बचा है। अब यहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें फिर से ग्लेशियर बने और यहाँ के लोगों को गर्मियों के मौसम में अपनी खेतों के लिए पानी का कमी महसूस न हो, तो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं लोग। यहाँ पर एक महीने से आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसका फल हमें गर्मियों के मौसम में जब खेतों को पानी जरूरत होगा उस वक्त इसका फल मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे नौजवान मेहनत कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं, तीन